संसद के अंदर और बाहर भले ही नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से पीएम की मुलाकात के दौरान माहौल काफी खुशगवार दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात के आखिर में पीएम मोदी ने राहुल गांधी से कहा कि हमें इस तरह से मिलते रहना चाहिए। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास पीएम मोदी के निजी करप्शन के बारे में जानकारी है। ऐसे में दोनों के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा था। राहुल ने इस मुलाकात के दौरान किसानों को उनकी फसल पर अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने नोटबंदी के बाद इकट्ठा हुई रकम को भी किसानों की कर्ज माफी के लिए इस्तेमाल करने की मांग की। डेलीगेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑन द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड एवरी सिंगल डे। फार्मर इज कमिटिंग सुसाइड इन पंजाब। फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड ऑल ओवर द कंट्री। द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन व्हीट। दिस इज अ डेविस्टेटिंग ब्लो। So we went to the Prime Minister to request him on behalf of the kisans of this country ki unka karza maaf kiya jaye, that their loan should be waived. That was the purpose of the meeting. Pradhan Mantri ji ne kaha, unhone baat accept ki ki kisan ki jo situation hai गंभीर है और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। मोदी और राहुल के बीच काफी तल्खियां पार्टियों की राजनीति को लेकर भले ही दिखता हो, लेकिन आज की तस्वीर तो खुशगवार ही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।